नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नए साल में प्रदेश का पहला रिश्वतखोर 25,000 रुपए लेते धरा गया। सागर लोकायुक्त पुलिस ने नए साल में बड़ी कार्यवाही करते हुए एक रिश्वतखोर को 25,000 नगद लेते हुए धरा है। संभवतः यह प्रदेश की इस साल की पहली कार्यवाही है। लोकायुक्त पुलिस ने इंस्पेक्टर बीएम द्विवेदी के नेतृत्व में बीहड़ कृषिकरण योजना कार्यालय में सहायक यंत्री सागर के पद पर पदस्थ राज सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। फिर कार्यवाही करने उसे गोपालगंज थाने ले आए, जहां शेष बची कार्यवाही की गई। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर के शनि वागरी ने कस्टम हायर योजना में आवेदन किया था, जिसकी 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलनी थी। इसी सब्सिडी को दिलाने के एवज में उससे 35,000 की रिश्वत मांगी थी। गुरुवार की सुबह ऑफिसर कॉलोनी में 25,000 की रिश्वत ली तो लोकायुक्त ने दबोच लिया। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। ये जो आपने लोकायुक्त में किस संबंध में शिकायत की थी, जिससे कोई इंजीनियर पकड़ा गया है? सर, ये मोदी का शहर योजना के तहत हम इसमें लाभ लेते हैं। कृषि अभियांत्री वाले उपकरण खरीदते हैं जो यहाँ से पास होता है हमारा, और हमारी कार्रवाई सब सागर से ही होती है। इसमें सर क्या था कि हमारी सब्सिडी डाली जाती है, जो हमारा टोटल अमाउंट रहता है, हमारा प्रोजेक्ट बनता है, उसमें हमारे 50% सब्सिडी मिलती है। क्या वो जब पूरी कार्रवाई ख़त्म हो गई तो फिर हम उनसे बोले सर हमारी सब्सिडी बता दें, बोले 50,000 का जुगाड़ करिए आप, तो सब्सिडी कर जाएगी। कौन ने किसने मांगे थे पैसे? जी सर, किसने मांगे थे आपसे पैसे? जी सर, हमसे तो राजू सर से बात होती थी, राज सर जो है हमारे, हम उन्हीं से बात करते थे और उन्होंने ही हमें फोन लगा। क्या क्या नाम था, क्या किस पद पर थे वो? वो सर सब इंजीनियर हैं। नाम क्या? नाम उनका राज सिंह। आज क्यों फोन ले रहा था आपसे पैसे, क्या चाहिए? सर आज हमसे राज सिंह लिए हैं, हमने दिया। कितने पैसे लिए थे? और सर हमसे 50 की डिमांड किए थे, मगर हमने उनको 35 दिया। 35 फिर हमने उनको 25 ही दिया थी। हालांकि हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाई थी, हमने उन्हें 25 ही दिया। और हमने यहाँ लोग गिरफ्तारी करवाई थी, क्योंकि गलत तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत से गलत होता है। ठीक है।